आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा जिला लोगों की नजरों में है। छिंदवाड़ा से पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ चुनाव मैदान में उतरे हैं। कमलनाथ के प्रभाव के कारण छिंदवाड़ा कांग्रेस में ही रहता आया है। अमूमन आपने पुराने अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखें तो कांग्रेस में छिंदवाड़ा रहता है। चौरई विधानसभा पर सभी की नजरें हैं। चौरई में लखन वर्मा को भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैदान में उतारा गया है। लखन वर्मा के पक्ष में केंद्रीय मंत्री और सिने अभिनेत्री रही, छोटे पर्दे की अभिनेत्री रही, यहाँ आपको दिख रही होंगी। सास भी कभी बहू थी की फेम वाली स्मृति ईरानी यहाँ उनके पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए यहाँ पहुंची हैं। लखन वर्मा के सामने चुनौतियां बहुत हैं। रमेश दुबे पूर्व विधायक इस सभा में नहीं दिखाई दिए, जिसको लेकर चर्चा लोगों की रही। छिंदवाड़ा जिले के चौरई से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के लिए अखिलेश दुबे की विशेष रिपोर्ट। स्मृति ईरानी के द्वारा यहां सभा को संबोधित किया गया। केंद्रीय मंत्री हैं स्मृति ईरानी और हम आपको बताने जा रहे हैं कि स्मृति ईरानी के द्वारा अपने संबोधन में क्या कहा गया। इसके बाद हम आपको यहां सुनाते हैं स्मृति ईरानी क्या कह रही हैं और लखन वर्मा के पक्ष में उनके द्वारा क्या क्या कहा गया, छिंदवाड़ा को लेकर क्या बात कही गई, ये भी हम आपको अभी सुनाते हैं। आइए सुनते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। मंच से आपको जो जो वादे किए, ये हमारा विश्वास है कि एक एक वादे को वो निभाएंगे। जब 17 तारीख पर आप पोलिंग बूथ पर आएंगे, कमल का बटन दबाएंगे और लखन भैया को अपना कर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाएंगे। कुछ लोग शायद इस बात को सुनकर स्तब्ध होंगे कि मैं रघुकुल रीत की बात करती हूँ और लखन भैया जिस समाज से हैं, उस समाज से आज कई प्रतिष्ठित लोग यहाँ पर लखन जी को भी अपना आशीर्वाद देने आए हैं। आज इस मंच पर या मंच के सामने जो भी व्यक्ति उपस्थित है, वो मात्र इस बात इस सभा है कि वो आज न सिर्फ मध्य प्रदेश, न सिर्फ चौराई, बल्कि भारत के नवनिर्माण में अपनी भूमिका को, अपने सहयोग को, अपने योगदान को सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ है। ये मात्र एक विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये मात्र एक क्षेत्र का चुनाव नहीं है, ये युद्ध है, बिगुल बजा है अधर्म और धर्म के बीच। और तय आपको करना है कि आप किसके पक्ष में हैं, धर्म के पक्ष में या अधर्म के पक्ष में। हिंदू धर्म के संस्कार का अपमान करे, इसलिए आज आपको तय करना है कि क्या आप उनके साथ हैं जिन्होंने गरीब की लाडली को लक्ष्मी के रूप में कभी नहीं पूजा, या उनके साथ हैं जिन्होंने जब भी सत्ता पाई तब तब लाडली के रूप में, लक्ष्मी के रूप में गरीब परिवार की बेटियों का सम्मान किया और उनका आर्थिक सशक्तिकरण किया। हम सब जानते हैं कि गरीब के घर जब कन्या जन्म लेती है तो हमारे देश ने, इस प्रदेश ने वो माहौल भी देखा जब माता पिता इस बात से चिंतित रहते कि बेटी को पढ़ाएं कैसे, बेटी को आगे बढ़ाएं कैसे, बेटी का ब्याह कैसे करवाएं। एक एक रुपया बेटी के जन्म से ही माता पिता गरीब परिवार में जोड़ने लगते। मैं आज उनकी अनुपस्थिति में ही सही चंद्रभान जी, शिवराज सिंह चौहान जी का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे देश के इतिहास में पहली बार एक ऐसे मुख्यमंत्री बने जिन्होंने कहा कि अगर राष्ट्र की उन्नति करनी है, प्रदेश की उन्नति करनी है, तो गरीब के परिवार में जब बेटी जन्म ले तो वो उत्सव के रूप में मनाया जाए। और आज लाडली लक्ष्मी योजना के तहत मात्र उस एक कार्य की वजह से मध्य प्रदेश में 40 लाख से भी ज्यादा गरीब परिवार की बेटियां लखपति बन चुकी। जब केंद्र में कांग्रेस के पास सत्ता थी,
जनवरी 2014 में जब सोनिया जी रिमोट से सरकार चलाती थी, दाम था जब उनके पास सत्ता थी सिलेंडर का दाम था 1240 रुपया, जब भाजपा के पास सत्ता है तो मध्य प्रदेश में सिलेंडर है 450 रुपया। अब तय आपको करना है, सरकार आप किसकी बनाने वाले हैं? 17 तारीख को पोलिंग बूथ पर आने वाले हैं, कमल का बटन दबा रहे हैं, आप मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने वाले हैं। युवा मोर्चा के हमारे साथी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी देश के राष्ट्र उपहास वर्षों चला, वो जनता से क्या सच्चा रिश्ता निभा पाएगा? इसलिए नागरिक 17 तारीख को पोलिंग बूथ पर आएगा, राम का नाम लेकर कमल का बटन दबाएगा, भाजपा की सरकार बनाएगा, ये मेरा विश्वास है। चंद्रबान जी, मैं तो स्तब्ध थी, ये जो घूम रहे थे कहते हुए कि तारीख नहीं बताओगे, तारीख नहीं बताओगे, धर्मधर से सब ब्राह्मणों ने कह दिया, सुन ले भैया तारीख को क्या कोई कांग्रेसी बोला, हमको नहीं बोला। जिस प्रश्न थे, अब उसी भगवान के प्राण प्रतिष्ठा जब मूर्ति के हो रही है तब वो मांग रहे हैं सामने से, हमको बुलाओ हमको बुलाओ। अरे जाओ, शीश झुकाओ, माफी मांगो, ये हमारा सौभाग्य है कि मंदिर हम वही बनाएंगे, तारीख की भी बताएंगे और साथ दर्शन के लिए भी ले जाएंगे। इसलिए आपके धैर्य के लिए, आपकी आस्था के लिए इस मंच से आपको प्रणाम करती हूँ, आपका वंदन एवं अभिनंदन करती हूँ और पुनः आपसे कहती हूँ कि ये वोट किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं, अपने लिए डालो। महिला हो, अगर 1250 रुपया मिल रहा है लाडली बहना योजना के तहत, 3000 चाहती हो तो भाजपा। गरीब परिवार में किसान हो, अगर 12000 दे में चाहते हो वोट दो। अगर वो परिवार है जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सपे चाहता है वोट दो। अगर लाडली लक्ष्मी बेटी के नाम से पूजा जाना चाहती है तो वो परिवार भाजपा को। अगर कश्मीर से कन्याकुमारी तक राष्ट्र को एक वोट से आप जोड़ कर रखना चाहते हो तो भाजपा को वोट दो। अगर प्रभु राम के भक्त हो तो भाजपा को वोट दो। आज आपके चरणों में यही निवेदन प्रस्तुत करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। तो ये थी स्मृति ईरानी, चौरई में इनके द्वारा चौरई विधानसभा के लिए चुनाव प्रचार किया गया भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, केंद्रीय मंत्री हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको ये खबरें पसंद आ रही हों तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।